हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। और अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लोग के काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं और काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, जो हैं क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं दिन का दिन। कुछ नई नई अपडेट्स आ रही हैं, कुछ है लोग जो कल की वीडियो में जो बात कह रहे हो परसों के नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है अपने नहीं कह रहे हैं, यानी कि डिफरेंट बातें हो रही हैं। अगर एक ही दिन में कोई दो वीडियो अपलोड कर रहा है तो वो सुबह कुछ और कह रहा है, शाम को कुछ और कर रहा है। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आपको जो है इसके जो आपके डाउट्स हैं उसे क्लियर कर दिया जाए। दोस्तों, हम लाइव सेशन में भी आ सकते थे फिलहाल, बट अभी लाइव जो है नेट के भी काफ़ी इशूज चल रहे हैं, इसलिए बार बार कट जा रहा है, इसलिए हमने लाइव सेशन नहीं लिया। हमने आपको जो है वीडियो के माध्यम से जो है ये अपडेट देना चाहते हैं कि दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि MTS का जो कैलेंडर जारी हुआ था, आपको पता ही होगा, तो कैलेंडर में आपको बताया गया था कि अप्रैल में आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। लेकिन दोस्तों, रही बात यह कि अब 21 दिन के लिए लॉकडाउन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के मतलब में ये हो गया कि सभी ऑफिस, सभी कॉलेज, सभी जो स्कूल, सब कुछ बंद कर दिया गया, ऑल टोटल बंद कर दिया गया। शॉप्स भी जो है बंद हुए, मॉल्स भी बंद हो गए, सिनेमा हॉल्स भी बंद हो चुके। तो जब सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है तो ऐसे केस में आपका रिजल्ट जो है ऑन टाइम पे कैसे आएगा? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में ये था सर कि वहाँ पे तो कमिटमेंट आ चुका था कि अप्रैल में जो है रिज़ल्ट दे दिया जाएगा MTS का, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। नवंबर में जो हुआ था उसका एग्ज़ाम्स अभी तक जो है नहीं आया, टायर टू का रिज़ल्ट। तो काफ़ी लोगों के मन में जो है क्वेश्चन थे, काफ़ी लोग जो है इससे बारे में चिंतित भी थे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो चीज़ प्राकृतिक आपदा है, यानी कि जो चीज़ अननेचुरल है, जो जिसका जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि जो लगातार जो कहते हैं ना कि प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उन पे किसी का जोर नहीं होता। अब जैसे कि सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ये महामारी एक तरफ से फैली और इसका बारे में कोई किसी को जो है एक्सपेक्टेशन नहीं था। और जब कोई चीज़ कैंसिल होती है तो लगातार कैंसिल होती है दोस्तों। तो यही दिक्कत है कि MTS का जो है ऑलरेडी जो है लेट हुआ था, ये उनकी गलती है स्टाफ सिलेक्शन की, कि जो उनको टाइम रहते हुए जो इसका रिज़ल्ट दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है काफ़ी लेट किया। और जब उन्होंने कैलेंडर जारी किया तब तक अप्रैल में कर लिया, और अब फाइनली जो है फरवरी से ही जो है ये इशूज़ चालू हो चुके हैं, और अब मार्च पूरा जो है आपका क्लोज डाउन है। अब 21 तारीख तक जो है 21 दिन तक सॉरी आपका जो क्लोज है, अब इससे क्या होगा कि 14 अप्रैल को तो ये आपका जो है लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात और ये इशू है कि 21 दिन यानी कि जो 14 अप्रैल को खुलने वाला है, क्या उसके बाद नेक्स्ट डे सब कुछ ओके होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यानी कि जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो सब आपका काम तो नहीं करेंगे, यानी हर ऑफिस में कुछ एक टाइम होगा। ऑलरेडी हम जो है 21 दिन के अंदर कितने साल पीछे चले जाएंगे अगर हम नहीं रुकते हैं, तो ऑलरेडी इतने पीछे चलेंगे तो उन सब चीज़ों को जो है टाइम पे लाने में लगभग और 21 दिन जाएगा, यानी कि पूरा अप्रैल आपका जो है इसी बात में चला जाएगा कि कौन से काम कौन से जो है। पहले तो एक इंपॉर्टेंट काम की फाइल बनेगी और एक होगी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, यानी जो पहले वेरी इंपॉर्टेंट होगा पहले उस काम को निपटाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसे धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ में जो है अपडेट किया जाएगा या फिर उसे निपटाया जाएगा। तो दोस्तों, यही मेन वजह है कि जो MTS का रिज़ल्ट है वो ऑन टाइम नहीं आ रहा है, और आप लोगों को मैं 100% श्योर बता रहा हूँ दोस्तों, ये रिज़ल्ट नहीं आएगा ऑन टाइम। और जो काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि रिज़ल्ट टाइम पे नहीं आएगा, आएगा रिज़ल्ट क्योंकि SSC ने कहा है, तो नहीं दोस्तों, बहुत ही जल्द जो है आपको उसकी अपडेट भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए भी तो कुछ ओपन होना चाहिए, मतलब अगर वो कैंसिल भी करे तो इसके लिए भी तो अभी ऑफिस खुले होने चाहिए, नहीं तो वहाँ से एक नोटिस तो आ ही जाती है आपको कि एक्चुअल में क्या अपडेट है। अब तो जो भी अपडेट है वो 14 अप्रैल के बाद ही आपको जो है मिलेगी, और वो भी तुरंत नहीं मिलेगी, वो लगभग 20-25 अप्रैल के बाद ही जो है आपको प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन आउट जो है क्लियर होंगे। दोस्तों, फिलहाल तो जो है लॉकडाउन का समय है, तो हम चाहेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, सभी लोग घर में हैं, मैं भी घर में हूँ, आप भी घर में हैं, सब सेफ रहिए। और जो कोई भी आपको इश्यूज है, यानी जो कुछ भी आपको रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड या समथिंग कुछ, तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको दे देंगे, या फिर हम वीडियो के माध्यम से जो है आपसे इंटरेक्ट भी हो जाएंगे, या फिर अगर लाइव सेशन में आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट लिखना कि सर लाइव सेशन लीजिए, सब एक साथ जो है मिलकर पढ़ सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करना ना भूलिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे खास चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको जो है सरकारी, जी हाँ दोस्तों, सरकारी जॉब से हम लोग जो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। जो ऑफिसेज हैं आपने देखा होगा मेरा प्रोफाइल्स में भी, तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगी कैसे आपको जॉब को जो है क्रैक करना है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी अगर आप पाने की चाह रखते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर गाइडलाइंस। तो दोस्तों, स्मार्ट नौकरी पर आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।